बिहार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में नई नियमावली को लेकर बड़ा विरोध किया जा रहा है। अब इस विरोध में एक और कड़ी जुड़ने जा रही है। बताया जा रहा है कि नई नियमावली के तहत शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में टेक्निकल डिग्री धारी को बाहर कर दिया है। इसका सीधा अर्थ है कि BBA, BCA, BTEC डिग्री धारी अब कभी शिक्षक नहीं बन सकेंगे। हालांकि अब नियोजित शिक्षकों के साथ नियमावली का टेक्निकल डिग्री धारी अभ्यर्थियों ने भी विरोध शुरू कर दिया है। टेक्निकल डिग्री धारकों का कहना है कि पहले की तरह उन्हें भी मौका दिया जाना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार एग्जाम के हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से। सरकार के द्वारा नियोजित शिक्षकों को इसे लेकर चेतावनी भी दी गई है। सरकार का आदेश है कि अगर कोई भी शिक्षक आंदोलन या प्रदर्शन में शामिल होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, मगर सरकार के आदेश के बाद भी शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में नियोजित शिक्षकों के द्वारा बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। बता दें कि जो अभ्यर्थी सातवें चरण में पास कर चुके थे और जिनके पास टेक्निकल डिग्री थी, वह भी अब नई शिक्षक बहाली से वंचित हो सकते हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार का फरमान गलत है, क्योंकि पहले से उन लोगों को नहीं बताया गया था। वह लोग सारी तैयारी कर चुके हैं, इसके बाद अब ये नया नियम भविष्य खराब कर देगा। उनके द्वारा कहा गया है कि सरकार इस नियम को वापस ले और सभी डिग्रीधारियों को परीक्षा में शामिल होने का मौका दे। शिक्षक बहाली को लेकर लगातार विरोध जारी। बता दें कि नई शिक्षक बहाली नियमावली में टीचर ट्रेनिंग और बीएड के अलावा प्राइमरी शिक्षकों को छोड़कर कक्षा 6 से 8 और कक्षा 9 से 12 के अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने के लिए स्नातक की डिग्री अनिवार्य है, लेकिन जिसने BTEC, BCA या BBA से स्नातक किया है उनके लिए शिक्षक बनने का मौका नहीं है। शिक्षक भर्ती नियमावली 2023 के तहत बहाली के लिए BPSC के द्वारा परीक्षा का आयोजन किया जाना है। इस परीक्षा में हर अभ्यर्थियों को शामिल होना जरूरी होगा। बताया जा रहा है कि आयोग के द्वारा परीक्षा के साथ इंटरव्यू भी लिया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार परीक्षा का नोटिफिकेशन इसी महीने जारी होने की संभावना है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद कई और चीजें अभ्यर्थियों को क्लियर होगी। हालांकि इस बीच नियोजित शिक्षकों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, ऐसे में प्रक्रिया में थोड़ी देर भी हो सकती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है तो उसे कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए बिहार एग्जाम। नमस्कार।